राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो बाल गणेश के लिए प्रेम है राधा के हृदय में, वो वैसा ही है जो माँ पार्वती के हृदय में है, और इन दोनों के प्रेम का फायदा उठा रहा है मोहासुर, जो कि राधा और पार्वती के बीच में द्वंद्व करवाने की नौबत तक ला चुका है। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बाल गणेश को माँ पार्वती के पास राधा नहीं भेजेंगी और अगला दिन हो जाएगा, और जो माँ पार्वती ने राधा को लिमिट दी होती है कि कल तक सूर्य उदय का समय है, तुम बाल गणेश को मेरे पास वापस भेज देना, उसके पूरे ना होते ही पार्वती क्रोध में आ जाएंगी और वो द्वारका में पुनः प्रकट होंगी और कहती हुई नजर आएंगी राधा से, मेरा गणेश अभी तक लौटा नहीं है, मैं समस्त द्वारका का सर्वनाश कर दूंगी। और तभी वो मोहासुर का आवाहन करती हैं और द्वारका पर प्रहार और राधा पर प्रहार करने की बात करती हैं, जिसे देखते हुए राधा को क्रोध आता है और वो कृष्ण का आवाहन करते हुए कहती हैं, कृष्ण तुम्हें मेरे प्रेम की सौगंध है, आज तुम्हें मोहासुर से मेरे लिए युद्ध करना ही होगा। और ये सुनकर कृष्ण काफ़ी बड़ी दुविधा में आ जाते हैं कि वो एक ओर प्रेम है, दूसरी ओर उनकी बहन, इन दोनों के प्रेम संबंध खराब करने के लिए भला वो युद्ध कैसे कर सकते हैं, अब आके कैसे करेंगे श्री कृष्ण इस परेशानी का सामना, ये देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। वेल, ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।